हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट एंड गाइस ईयर विद द ऑल न्यू 2024 सिट्रोएन बसाल्ट। एंड आपके सामने मैक्स टर्बो वेरिएंट इसकी खड़ी हुई है। इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन वेट सेफ्टी फीचर्स प्राइसिंग कलर ऑप्शन। भाई कम पैसे में काफ़ी बढ़िया कूपे एसयूवी कार निकल के आ जाती है। इसके सेगमेंट में मतलब देखते हैं तो मार्केट में एक और कार है लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव निकल के आ जाती है। लेकिन बसाल्ट को अगर आप देखते हैं तो ये पॉकेट फ्रेंडली रहने वाली है और भाई फीचर्स वगैरह भी ठीक मिलते हैं, गाड़ी की लुक भी बहुत बढ़िया है। एंड गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए तो इसको भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। वाराणसी में भाई से बिलोंग करते हो, सिट्रोएन की कोई भी कार चाहिए बिल्कुल आप आ सकते हैं अक्षत सिट्रोएन पे, जो कि भाई आपको रोहनिया मोहन सराय रोड पे मिलेगा। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे भी शेयर होगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं गाइस। की से तो कुछ ऐसी की मिल जा रही है, यहाँ पे आपको काफ़ी मतलब फ्लिप की मिल रही है, यहाँ पे आपको सिट्रोएन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, टू बटन्स मिल जाएंगे लॉक और लॉक के एंड वेब कीज मिल रही है भाई। एंड गाइस प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की बात करें तो 8 वेरिएंट 7 कलर ऑप्शन साथ आती है। 8 लाख रुपीज़ बेस मॉडल से स्टार्ट होती है भाई एंड टॉप मॉडल तक चली जाती है 13.95 लाख रुपीज़। आपके सामने मैक्स टर्बो वेरिएंट खड़ी हुई है जो कि 14.5 लाख तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी एंड 12.4 लाख तक एक्सोरूम। एंड जो ऑन रोड प्राइस है ना वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकता है। एंड फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। सो गाइस कुछ ऐसी फ्रंट से निकल के आ जाती है अपनी बसाल्ट टॉप मॉडल, जहाँ पर गाइस आप देख रहे हैं तो कुछ ऐसा आपको पूरा विंड साइज एरिया देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको वाइपर्स मिल जाते हैं जो कि मैन्युअली हैं और यहाँ पे आप ग्रिल अगर नोटिस करेंगे तो कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि सिट्रोएन के लोगों के साथ भाई पूरा इंटीग्रेट हो जाता है, बढ़िया लगता है। पियानो ब्लैक और क्रोम इंसर्ट्स के साथ ग्रिल। एंड यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो अपने को LED DRLs और टर्न सिग्नल हैलोजन मिलेंगे। यहाँ पे सिंगल यूनिट में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलता है, नीचे फॉग लैंप भी आपको हैलोजन मिल जाते हैं, ग्रे फिनिशिंग में स्किड प्लेट मिलेगा, बसाल्ट की ब्रांडिंग और ग्रिल का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लगता है भाई। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपको टोइंग हुक की सेटअप मिल जाती है, बाकी गाइस ग्लास एरिया काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। एंड आते राइट साइड प्रोफाइल की तरफ तो ये है प्रॉपर व्हीकल की राइट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे आपको फुल बॉडी ग्लाइडिंग मिलती है ब्लैक आउट में। एंड अलॉय व्हील भी काफ़ी सही मिल जाता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा, 205/60 सेक्शन टायर मिल रहे हैं विद 16 इंचेज ऑफ अलॉय व्हील। ब्लैक आउट में मिल जाते हैं आपको RVM जो कि काफ़ी सुंदर लगता है, ब्लैक के वाइट के साथ ब्लैक बढ़िया लग रहा है। टर्न सिग्नल वहाँ पर आपको मिल जाएगा जो कि हैलोजन है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स यहाँ पे गाइस आपको फ्लश डोर हैंडल देता है, ज़्यादा बढ़िया रहता है लेकिन चलो कोई बात नहीं। ब्लैक आउट में अपने को मिलेगा पोस्ट और बीडिंग वगैरह, रूफ रेल भाई नहीं आता है, कूपे एसयूवी में रूफ रेल अच्छा भी नहीं लगता है। बाकी गाइस साइड प्रोफाइल देख लिया, आप आते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, जहाँ पे ऊपर देख रहे हैं तो अपने को ब्लैक कलर में साफ एंटीना डीप ओवर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। एंड ये भाई इसकी पूरी रियर प्रोफाइल, जहाँ पे आपको सिट्रोएन की फॉन्ट एंड लोगो मिलेगी, बसाल्ट की ब्रांडिंग। यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। टेल लैंप की अगर बात करेंगे तो पूरी हैलोजन सेटअप में आपको ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, टर्न सिग्नल मिलती है। नीचे स्किड प्लेट आपको स्लो फिनिशिंग में ग्रे फिनिशिंग मिलेगी। कैमरा मिल रहा है यहाँ पे आपको मिल जा रही है भाई, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप 470 लीटर का। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस मिलता है और यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिलेगा, LED भाई मिल रहा है, बूट लैंप बढ़िया बात, किट्स वगैरह मिलेंगे। नीचे आपको स्टेयर वे की प्लेसमेंट मिल जाती है, ऊपर LED लाइट वगैरह ठीक है भाई। ये थी पूरी इसकी रियर प्रोफाइल। एंड लेफ्ट साइड प्रोफाइल देखेंगे तो ये है लेफ्ट साइड प्रोफाइल, सेम राइट साइड की तरफ। यहाँ पे आपको फ्यूल नो मिलेगा लेफ्ट साइड रियर फेंडर पे, जो कि भाई आता है 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ, बाकी चीज़ें वही मिलेगी, बॉडी ग्लाइडिंग, ओआरवीएम वगैरह, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक। ये थी भाई अपनी वॉक अराउंड। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या डायमेंशन मिलती है और क्या यहाँ पर आपको मिल जाती है भाई इसकी सेफ्टी फीचर्स। व्हीकल की लेंथ मिलती है 4352 mm की, 1765 mm की विड्थ, 1593 mm की हाइट, 2651 mm की व्हील बेस मिल रही थी। एंड गाइस यहाँ पे आपको 1593 mm की हाइट तो थी, 470 लीटर की बूट स्पेस एंड 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया है। एंड गाइस अगर बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई बसाल्ट में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो आपको मिलती है 180 mm की, जो कि काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड थोड़ा सा और ज़्यादा रहता क्योंकि भाई कूपे एसयूवी तो और भी ज़्यादा ठीक रहता। बाकी गाइस अब बात कर लेते हैं इसके हम लोग सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग, ABS, UBD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटीथेफ्ट सीट बेल्ट वार्निंग, डोर वार्निंग, टाइप एक्स मॉनिटर सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, आइसोफिक्स साइड शिफ्ट माउंट, हिल असिस्ट जैसे काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं भाई। अब चलेंगे भाई इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग चलेंगे भाई
इसके डाइवर्ट साइड और की को निकाल लेते हैं पॉकेट से। बॉडी कलर डोर हैंडल्स वगैरह आप देख ही रहे हो, यहाँ पे कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। डोर पैनल या हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलता है। चारों पॉविनो का डोर, सिर्फ फिशिंग मिल जाती है, लीवर्स, स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर्स मिल रहे हैं। एंड गाइस ये है इसका ओवरऑल इंटीरियर, जहाँ पे आप देख रहे हैं इधर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। एडल स्टॉल स्टॉप यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई। डोर लॉक ऑन लॉक को ऑफ कर सकते हो, चाहे सेफ्टी लॉक बोल सकते हो। नीचे आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिलेंगे, हेडलाइट के कंट्रोल, नीचे आपको मिलेगा पैडल्स। सीट्स अगर बात करते तो भाई अपना 7 लेदर वाइड है, कुछ फैब्रिक है, कुछ लेदर वाइड है। सीट हाइट एडजस्टमेंट आ जाता है, हेड रेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं और आर्मरेस्ट भी मिल जा रहा है। और भाई की को निकाल के अब चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ भाई आप लोग को अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अब प्लग इन कर लेते हैं भाई। सुबह कुछ ऐसा हो, यहाँ पे आपको ओवरऑल इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे गाइज आपको इधर की सारी चीज़ें मैंने बताई दिया है। सेंटर में आ रहे हैं तो कुछ ऐसा आपको मिलता है, इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो कि फुली डिजिटल है। यहाँ पे ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, TPMS, फ्यूल गेज, हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी क्यूट सा यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। एंड गाइज 3-spoke फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि लेदरॉइड है, सिट्रोइन की ब्रांडिंग, यहाँ पे स्लो फिशिंग। राइट साइड में अपने को भाई मिल जाती है और कॉल लेंसिंग एंड मीडिया कंट्रोल। लेफ्ट साइड में इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल मिलता है इंफोटेनमेंट के, और टॉगल्स को देखेंगे राइट साइड में मिल जाए हेडलाइट्स कंट्रोल, लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल। सेंटर में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले को। टच रिस्पॉन्स वगैरह में भाई यहाँ पे आपको ठीक मिलता है। और उसी के बाद अगर रियर कैमरा की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी रियर कैमरा क्वालिटी मिलती है। एंड नीचे आपको मिल जाते हैं एसी वेंट्स, एसी के कंट्रोल्स, हैजार्ड का बटन, 12 वाट का पावर सॉकेट, टाइप ए पोर्ट, नीचे वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, यहाँ पे कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक प्लेसमेंट, नीचे कुछ स्पेस है और एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलता है विद इंटीरियर स्पेस। यहाँ पे सिल्वर फिशिंग मिल रही है, ब्राउन कलर की ट्रीटमेंट, एंड यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है ग्लव बॉक्स में। ऊपर मैनुअल डेनिम IRVMs एंड यहाँ पे लाइट ऊपर हैलोजन मिल रहा है। सनवाइजर देख रहे हैं तो कुछ ऐसा मिलता है, डाइवर्स साइड एंड को डाइवर साइड आपको वैनिटी मिरर के साथ। हैंडल आपको सॉफ्ट क्लोज मिलता है, रूफ पूरा ही बेज कलर का मिल जाता है। एंड करते हैं इसको ऑफ, अब चलेंगे भाई इसके सेकेंड रूम में और वहाँ क्या क्या चीज़ अपने को मिल जाता है देखते हैं। यहाँ पे भी गाइज आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल रहे हैं एंड कुछ ऐसा डोर पैनल मिलता है जो कि आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स या हार्ड प्लास्टिक के, नीचे स्पीकर, बॉटम प्लेसमेंट। और गाइज कुछ ऐसा यहाँ पे आपको इंटीरियर मिल जा रहा है, स्पेस के मामले में भाई ठीक है और लेदरवाइट सीट्स हैं, गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रियर एसी वेंट्स आपको मिल जाएंगे, हेडरेस्ट एडजस्टेबल है और काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे आपको विंग्स हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। आर्मरेस्ट मिल जा रहा है, पीछे पार्सल ट्रे मिलेगा हम भाई यहाँ पे आपको देख रहे हैं तो अच्छा खासा बीच में मिलता है, तो सेंटर पैसेंजर को पैरी दौड़ करना पड़ेगा। लाइट सैलोजन है, हैंडल दोनों तरफ, बाकी सामने मैगजीन होल्डर है। नी रूम, लेग रूम, फोर्थ रूम भी सही, अंडर थाई सपोर्ट इज गुड। यहाँ पे टाइप ए पोर्ट। एंड अगर हेडरेस्ट की बात करेंगे हेडरूम की तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको हेडरूम मिल जा रहा है, ठीक है हेडरूम। बाकी आप अंदर बैठेंगे तो आपको बिल्कुल हाइटेड फील होगा, पीछे पार्सल ट्रे वगैरह है। एक बार आप इसका रूफ डैशबोर्ड भी चेकआउट कर लीजिए भाई। बाकी चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या इसके इंजन में पावर एंड टॉक वगैरह मिल जा रहा है भाई। फटाफट से जो इसका इंजन बे है वो ओपन कर लेते हैं, यहाँ से आप इसका जो इंजन बे है वो ओपन कर लोगे। सो गाइस इंजन भी ओपन करने के बाद कुछ ऐसा ऑल सीन मिलेगा, यहाँ पे आपको इंसुलेशन पैड मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फ्यूल प्लेसमेंट, बैटरी प्लेसमेंट एंड ये भाई इसका ओवरऑल इंजन। यहाँ पे आपको वाइपर की वॉशर फ्यूल कूलिंग का सेटअप। एंड इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 1199 सीसी 3 सिलेंडर BSF फेज 2 इंजन मिल जाता है। 109 BHP की पावर मिलेगी 5500 RPM पे एंड 205 NM की टॉक मिलती है 2500 RPM पे। 18-19 किलोमीटर पर लीटर तक की गाड़ी माइलेज दे देती है भाई। सो गाइस ये थी भाई अपनी सिट्रोएन बसाल्ट की टॉप मॉडल मैक्स टर्बो को फुल डिटेल रिव्यू। मैनुअल ट्रांसमिशन में 14.5 लाख तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी। बाकी अच्छे प्राइस रेंज के लिए आप अक्षत सिट्रोएन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।